नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। लगातार मैं आपको काफी सारी वैकेंसीज के बारे में बताता रहता हूं। आज फिर से एक नई वैकेंसी आपके लिए लेकर के आया हूं और इसमें आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं ये वैकेंसी कौन सी है और आप इसमें कैसे आवेदन कर पाएंगे। देखिए, ये वैकेंसी है और वैकेंसी आ चुकी है। आप 21 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक आपके पास एक महीना है इसमें आवेदन करने का। और दिल्ली में वैकेंसी निकली है, पूरा डिटेल बता रहा हूँ। जो मेरे भाई बहन मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, ये वैकेंसी उनके लिए है। वैकेंसी पद का नाम है नर्स ग्रेड ए, लेकिन जिन्होंने GNM BSc नर्सिंग किया हुआ है वो इसमें आवेदन कर पाएंगे, या जो इसके इक्वल क्वालिफिकेशन रखते हैं। जो विज्ञापन में बताया गया है, पोस्ट कोड 19/23, उसके अनुसार आवेदन कर पाएंगे। पूरा डिटेल एक बार देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, बेल आइकन दबा लो और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद शेयर भी जरूर कर देना। देखो, पोस्ट का नाम है नर्स ग्रेड ए, क्लियर है, और डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। तो नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में आपकी ये जो उसके अंडर में भर्ती आती है। अब यहां देखें, कुल पद जो है वो है आपके 90, जिसमें अनरिजर्व के हैं 37, ओबीसी के 26, SC के 11, ST के 6 और EWS के 10 पद है। कुल 90 पद यहां पर दिए हुए हैं, क्लियर है। अब देखिए, यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है, इसमें क्या लिख रखा है, एसेंशियल, यानी कि आपको GNM का डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपने किया है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, आपने किसी वैलिड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा जनरल नर्सिंग में किया हुआ है, GNM किया हुआ है, तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे, क्लियर है। इसके अलावा जिन्होंने भी ये डिप्लोमा किया है उनका रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है, नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ये बात आपको क्लियर रख लेनी है। अब यहां ये नहीं स्पष्ट किया कि किस स्टेट से, तो आप नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया INC से रजिस्टर्ड हैं या किसी स्टेट से रजिस्टर्ड है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। इसमें एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं मांगा गया है, नहीं है तो फ्रेशर्स भी आवेदन कर पाएंगे। पे स्केल 44,900 से 1,42,400 तक है। लेवल सेकंड पे बैंड रहेगा, क्लियर है आपको। ग्रेड पे इसमें 4600 दिया जाएगा। एज लिमिट आप देख लो, 18 से 32 साल के बीच आप इसमें हैं तो आवेदन कर पाएंगे। और बाकी जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के नियुक्ति के अनुसार जो आपको मिलता है, दिल्ली गवर्नमेंट नियुक्ति के अनुसार जो आपको छूट मिलती है रिजर्वेशन कैटेगरी में, वो आपको मिलेगी। अब जो मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं इसी डिपार्टमेंट में, यानी कि मेडिकल में ही या फिर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में, जो इस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं और इसी पोस्ट पर लगे हुए, उनके लिए सूचना है, इनको अपर एज लिमिट यानी कि 32 साल से ऊपर की एज लिमिट में इनको छूट दी जाएगी 5 साल की, यानी कि वो 32 और 5 37 साल तक आवेदन कर पाएंगे। और अगर कौन कर पाएगा, किसको फायदा मिलेगा, जो लगातार पिछले 180 वर्किंग डेज इनके पास हैं, लगातार वो पिछले 180 दिन से यहां काम कर रहे हैं, वो इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्लियर है। इसके अलावा जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो यहां लागू रहेगी। विज्ञापन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको आप देख लेना, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो मेरे भाइयों, ये वैकेंसी थी GNM की, नर्सिंग की। अगर आप चाहें दिल्ली में सर्विस करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट के हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम में भर्ती निकली हुई है और बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा पद है, काफी अच्छी सैलरी है और आप इसमें चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।